नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एसी यानी कि एयर कंडीशन का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्यों नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए लोग एसी का सहारा लेते हैं और देखा जाता है कि कुछ लोग एसी को 18 डिग्री या फिर 16 डिग्री सेल्सियस पर चलाते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सही होता है? एसी को 18 डिग्री या 16 डिग्री सेल्सियस पर चलाने से क्या नुकसान होता है और एसी के टेम्परेचर को कितने डिग्री से नीचे नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि एसी कितने डिग्री पर चलाना चाहिए या नहीं और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, कुछ समय पहले भारत सरकार द्वारा ऊर्जा मंत्रालय ने यह सलाह दी थी कि एसी की सेटिंग 24 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए और इससे पीछे बड़ी कारण यही है कि एनर्जी को बचाने के लिए लोगों को इनकरेज करना। साल 2016 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 16 अरब एयर कंडीशनर की यूनिट मौजूद है और ये खासकर अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और चीन में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक दुनिया भर में एसी की डिमांड सबसे ज़्यादा भारत में होगी और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया का होगा। लेकिन आने वाले समय में एसी की डिमांड बढ़ने वाली है, पर जब दुनिया भर में एसी की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि बिजली की खपत भी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, किसी कमरे या किसी जगह का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस करने के लिए एसी को लगातार काफ़ी समय तक काम करते रहना पड़ता है और इससे एसी पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, साथ ही साथ बिजली का कंजक्शन भी ज़्यादा होता है, यानी कि एसी को 18 डिग्री सेल्सियस पर चलाने पर बिजली की खपत ज़्यादा करता है। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि वहाँ पर मौजूद व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। दरअसल एयर कंडीशनर कमरे में मौजूद नमी को भी सोखता है और इसका काफ़ी बुरा असर हमारे स्किन पर भी पड़ सकता है और साथ ही हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखने वाले नेचुरल सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, एसी को 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट करने पर उसका कंप्रेसर बेहतर काम करता है। दोस्तों, गवर्नमेंट के सुझाव से पहले हमें यह समझना होगा कि एसी कैसे काम करता है। दोस्तों, एसी बाहर की तुलना में अंदर का टेम्परेचर ठंडा रखता है। जैसे मान लीजिए आप अपने रूम में एसी को 25 डिग्री पर सेट किया है तो पहले से ही आपके रूम के टेम्परेचर को 25 डिग्री तक ठंडा करेगा और जब आपके रूम के टेम्परेचर को 25 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो एसी का कंप्रेसर चलना बंद हो जाएगा, यानी कि एसी ठंडा करना बंद कर देता है और उसका सिर्फ फैन ही चलता रहता है। और जब आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एसी 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फिर से कूलिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन 40 डिग्री के मौसम में आपके रूम के टेम्परेचर को 18 डिग्री कम करने के लिए एसी को लगातार काफ़ी देर तक काम करते रहना पड़ता है और ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक एसी पर 1 डिग्री तापमान बढ़ाने से 6% एनर्जी बचती है और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री की बजाय 24 डिग्री पर सेट करने से 18% एनर्जी बचती है। तो वहीं आप एसी को 18 डिग्री पर सेट करते हैं तो रूम के टेम्परेचर को कम करने के लिए एसी को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप अपने एयर कंडीशनर को 24 डिग्री पर सेट करते हैं तो उससे आप एसी की लाइफ लंबे समय तक चलेगी और इससे आपके बिजली की बचत भी होगी और आपके काफ़ी सारे पैसे भी बचेंगे और आपकी सेहत पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। वैसे दोस्तों, क्या आपके घरों में एसी लगा है? तो इसे आप 24 डिग्री पर सेट करें तो आपकी एसी की लाइफ भी बढ़ेगी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।